देख यहाँ पे सबसे पहला चीज, यहाँ पे पहले ही यहाँ पे हम बता चुके हैं स्किन के बारे में पढ़ा था लास्ट साल तुम लोग, क्या स्किन भी जो होता है जैकोब फॉर ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉडी का मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कौन कवर करके रखा है, स्किन ही करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज के बारे में, आई के बारे में। बहुत सारा ऐसा चीज तुमको जानने को मिलेगा जो तुम लोग को नहीं पता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना एक एक करके। आई जो है तुम लोग को क्या क्या चीज में काम करता है, क्या क्या चीज में हेल्प करेगा, वो सारा चीज तुम लोग को ध्यान देना है। इसमें तुम लोग को दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहले तो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दूसरा पार्ट में दिया हुआ है कि आंख में कौन कौन सा डिफेक्ट्स होता है, क्या क्या बोल रहे हैं डिफेक्ट। जैसे किसी को बोर्ड नहीं दिखाई देता, जैसे मेरे को ये बोर्ड दिखाई नहीं देता है, तो हमको क्या हो रखा है भैया, फार साइटेडनेस की मतलब दूर का दिखाई देता है नहीं, मायोपिया बुलाते हैं उसको, क्या बुलाते हैं मायोपिया। जब मेरे को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन पास का हम देख पा रहे हैं तो हमको क्या हो रखा है मायोपिया। इसमें फिजिक्स भी है कि भैया कौन सा लेंस यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ आई कंप्लीट कर लेते हैं, तो ध्यान से सब बच्चा सुनना। तो आंख जहाँ पे, यहाँ पे देख लो ये रहा आई, ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग का ऐसे करके ये क्या होता है स्कल, गोल्फ का जितना बड़ा बॉल होता है उतना ही क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे, ये है आई सॉकेट, ये क्या है आई सॉकेट, तो आई सॉकेट के ही अंदर बॉल की तरह ये क्या होता है अंदर घुसा हुआ रहता है। तुमको आंख का जो सामने वाला पार्ट दिख रहा है व्हाइट वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, उसको क्या बुलाते हैं, तुम लोग सुना होगा कि आंख को डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया को ही एक्चुअली क्या किया जाता है डोनेट। तो अभी हम तुमको यही चीज बताएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आईज, ठीक है, तो ये सारा चीज सुन। उसके पहले जो कुछ बताया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आई जो है उसके ऊपर आईलिड है, उसके ऊपर क्या है आईब्रोज है, ठीक है, ये आईब्रो है कि आईलेसेस है, आईलेसेस है, ये क्या है, अब इसका क्या काम है, ठीक है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आईब्रो का क्या काम होता है भैया, माथा से जो पसीना आता है, ठीक है, वो हमारे आंख में नहीं चली जाए, तो इसलिए क्या होता है आईब्रोज रहता है, ठीक है। आईलिड क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स या धूप को अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है, और आईलेसेस डस्ट पार्टिकल को क्या करते रहता है, एक्सपेल आउट करते रहता है। तो तुम लोग को ये चीज पता है, नहीं पता है तो ये याद रखना। अब यहाँ आते हैं सीधा सीधा, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में भी पूछा हुआ है वापिस से, क्या चीज में, नेम दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में, हम लोग जो है आंसू बहाते हैं, ठीक है, अब आंसू जो बहाता है, ठीक है, बोला जाता है रोने से आंख का क्या होता है सफाई होता है, ठीक है, तो आंसू निकलना खाली सफाई के लिए नहीं है, वो एक्चुअली इमोशन दिखाता है, वो क्या दिखाता है, तो ये सब चीज भी बताएगा। तो चलो देखते हैं, लिखता है यहाँ पे द सेंस ऑर्गन इनेबल्स अस टू बी अवेयर ऑफ द कंडीशंस ऑफ आवर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पे सेंस ऑर्गन के बारे में, ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को हम लोग को क्या करता है के बारे में यहाँ पे अवेयर ऑफ दी कंडीशन, क्या चल रहा है उसके बारे में कौन बताता है, सेंस ऑर्गन, ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो मेजर तुम लोग सब पढ़ते आ रहा है, क्लास एलकेजी से ही पढ़ते सेंस ऑर्गन क्या होता है, ठीक है, तो वहां पे पता ही आई नोज ईयर टंग स्किन करके बैठे रहता है तुम लोग, तो यहाँ पे वही है, इसमें से आईज के बारे में यहाँ पे बता रहा है। लिखता है यहाँ पे फिर से कि इन एडिशन देयर आर ऑल्सो सेंस ऑफ बैलेंस, बॉडी मूवमेंट, हंगर, थर्स्ट एंड पेन। The actual sensation is perceived by sensory cells located in this organ, और उसको हम लोग क्या कहते हैं receptors। अब हम कुछ receptors का नाम बताने वाले तुम लोग को, जो हमारे बॉडी में क्या काम के लिए और कहाँ प्रेजेंट है वो याद रखना है तुमको। सबसे पहला आता है मैकिनो रिसेप्टर्स, क्या आया, आर रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज। तो ऑब्वियस सब बात है, मैकिनो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, स्किन में, कहाँ पे है, ठीक है, तुमको अगर हम टच कर रहे हैं तुमको पता चल जा रहा है, तो क्यों, कारण वहां पे रिसेप्टर सेल्स है, जो कि कहाँ पे, क्या नाम दिया उसका, मैकिनो रिसेप्टर्स, क्या नाम दे दिया, तो मैकिनो रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ पे रहता है, स्किन पे। दूसरा यहाँ पे बताता है कीमो रिसेप्टर, कीमो का मतलब केमिकल, तुम लोग सुना होगा कैंसर पेशेंट जो होता है कीमोथेरेपी से गुजरता है, कीमोथेरेपी में क्या होता है बहुत ज्यादा पावरफुल केमिकल्स पे ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि कीमो रिसेप्टर, रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट ऑफ द टंग एंड स्मेल ऑफ द नोज ड्यू टू केमिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ बता रहा है, टंग में है और नोज में है, ठीक है। फिर आता फोटो, फोटो मीन्स लाइट, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आर रॉड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना। तो इस चैप्टर में हम तुमको बताने वाले हैं कि रॉड सेल्स क्या है और कोन सेल्स क्या है एंड वेयर दे आर प्रेजेंट, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, रॉड्स क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोन्स क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बताएंगे, रॉड्स कैसा विजन देता है, कोन्स कैसा विजन देता है ये बताते। तुम लोग एक अफवाह सुना है कि बैल के सामने ऐसे लाल कपड़ा हिला वो तुमको मारने दौड़ेगा, ठीक है, नहीं ऐसा कोई, ठीक है, पागल नहीं है जो तुमको मारने दौड़ेगा,
सीधा सा बात है, जानवर तुम पे हमला तभी करता है जब उसको अपने डर लगता है कि सामने वाला मेरे पे अटैक ना कर दे, ठीक है ना। तो यही बात रहता है, उसको कोई कलर का मतलब नहीं पता, वो कलर ब्लाइंड होता है। पहली बात तो तुम सफेद कपड़ा भी लेके ऐसे करके हिलाओगे तो भी तुम्हारे पीछे क्या करेगा, भागेगा। तो बात यही है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, वो बुल फाइट जो करता है फालतू चीजें, वो लोग सिर्फ जानवर को परेशान करता है। यहाँ पे देखो तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ये क्यों बताए भैया, ये इसलिए बताए कि हमारे आंख में जो है हम लोग कलर विजन देख सकते हैं, सब जानवर कलर विजन नहीं दे सकता। तो ऐसा सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल है कलर विजन के लिए वो कौन है, कॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे रॉड्स जो होता है वो क्या चीज के लिए होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। इस पे भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन रॉड्स एंड कोन्स। रॉड में रॉडस्पिन रहता है एक पिगमेंट, और कोन्स में क्या रहता है, आइडोस्पिन। तुम लोग अगर स्कूल में पढ़ लिया तो बढ़िया, नहीं तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को। अभी और डिटेल में बताएंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे तुमको जो पता नहीं, मतलब तुम डेली लाइफ में कर रहे हो लेकिन तुमको पता नहीं था कि हाँ इस कारण से हो रहा है, ठीक है। आज हम तुम लोग को बताते हैं, ठीक है। देखना हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ते तुम लोग मुंडा ऐसे करके हिलते रहता है, ठीक है, वो तो अलग कहानी, नींद आता है लड़का को, ठीक है। तो यहाँ पे मुंडा ऐसे ऐसे करके हिलने का कारण है, फिजिक्स कहता है मेरा किताब और मेरे आंख के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ताकि एक कोना से दूसरे कोना तक हम लोग पढ़ सके, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कोई भी हम लोग को, ताकि हम लोग पूरा रीड कर सके, पक्का। तो हम तुमको यहाँ पे यही चीज सब बताने वाले थोड़ा थोड़ा कि मुंडा क्यों हिलाते पढ़ाते समय, क्योंकि आंख में दो जगह ऐसा होता है जहां पे बेस्ट विजन और वर्स्ट विजन बनता है। बेस्ट विजन और वर्स्ट, वो जगह जहां पे सबसे अच्छा दिखता है उसको येलो स्पॉट कहते हैं, मैकुला लुटिया कहते हैं, फोविया सेंट्रालिस कहते हैं, ठीक है। होशियार बन रहे तुम लोग के सामने, बुक में दिया हुआ है, तुम लोग भी पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये सारा उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फोविया सेंट्रालिस, मैक्यूला लुटिया, ये सब जो नाम बता रहे बुक में दिया हुआ है, तो अब येलो स्पॉट सब जानता है लेकिन ये नहीं जानते कि फोविया सेंट्रालिस और मैक्यूला लुटिया जो है उसी का नाम है। समझ में आ गया। येलो स्पॉट वो जगह है आपका जहां पे सबसे अच्छा विजन बनता है, वो ठीक रेटिना के बीचों बीच है। रेटिना के कहा है, अब रेटिना और ऑप्टिक नर्व एक जगह मिलता है तो वहां पे भी एकदम ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है, वहां इमेज बनेगा तो हम लोग को कोई दिखाई नहीं देगा। तो ये सब आएगा बीच बीच में, हम बताते चले जाएंगे तुम लोग को। अब इतना सा के लिए इतना बता दिए। थर्मोरिसेप्टर्स, थर्म मतलब हीट, और हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर फिर बताओ कहाँ पाया जाएगा, स्किन में पाया जाएगा भैया। फोनो रिसेप्टर, फोनो मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू साउंड, ठीक है, रिसेप्टर्स ऑफ साउंड या हियरिंग, तो ये ईयर में पाया जाएगा। तो ये कुछ रिसेप्टर्स का नाम बताया है जो तुमको उल्टा करके पूछ सकता है कि बताओ मेरे को कान में कौन सा रिसेप्टर्स पाया जाता है, तो फोनो रिसेप्टर्स पाया जाता है। बताओ फोनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ईयर, हो गया ये चीज, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। भैया बताए ऑर्बिट अब क्या होता है, भैया ऑर्बिट तो हम लोग कहाँ पढ़े थे, एटम में पढ़े थे, ज्योग्राफी में पढ़े थे, सोलर सिस्टम में पढ़े थे, यहाँ ऑर्बिट क्या है। द टू आईज आर लोकेटेड इन डीप सॉकेट्स, हम तुमको बोले थे ये जो सॉकेट, ठीक, बॉल्स के बॉल की तरह ऐसे घुस जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज, तुम ऐसे सोचो ये पूरा एक सर्कल है, पूरा एक क्या है, सर्कल। अच्छा, ईच आई इज इन फॉर्म ऑफ बॉल एंड कैन बी रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ 6 मसल्स, कितने मसल्स का नाम लिया है, 6। आईलिड, आगे आईलिड क्या होता है, तो भैया आईलिड जो होता है, अपर एंड लोअर मूवेबल आईलिड्स प्रोटेक्ट द आउटर सरफेस ऑफ द आईज एंड शट आउट लाइट। ईच आईलिड्स कैरीज आउटवर्डली कर्व्ड आईलैशेस व्हिच प्रिवेंट, अंडरलाइन करो आईलैशेस का फंक्शन, ठीक है, ये रहा, प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू द आईज। आईब्रो क्या काम आता है भैया, क्या काम आता है, क्लोजर लगाने के लिए, है ना, क्या लगाते हैं लड़के लोग, कुछ नहीं, हाँ आईलैशेस पे मस्करा, ओके, ठीक है। तो मस्करा सब लगाने में काम आता है, लिख के मत आ जाना, यहाँ पे लिखना क्या है तुम लोग को, आईब्रोज जो है जब, और हाँ ठीक, मोनल का कहना है आईब्रोज में नहीं लगता भैया, आप गलत बता रहे, ठीक है, वो आईलैशेस में लगता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे याद भी रखना, आईब्रो जो होता है ऑल्दो वर्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द आई, दीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटेक्टिंग, दे प्रिवेंट द रेन ड्रॉप्स। तो आईब्रो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, ये दिस इज आईब्रो, ठीक है, तो देख ले, दे प्रिवेंट द रेन ड्रॉप्स और द ट्रिकलिंग परस्पिरेशन, माथा का जो पसीना टपक के आता है वो आंख में जाने नहीं, आया हुआ है क्वेश्चन है ये सब, और बच्चा लोग गलत करके आता है, फंक्शन लिख यहाँ पे सबका,
इसके बाद आता, हाँ ये क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे, सुनो सब बच्चा, अब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आंख में कौन सा यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड, उससे एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है लाइजोजाइम, क्या नाम बता रहे, जो कि क्या करता है भैया, वो जर्म्स को मारता है, यहाँ दिया है तो ठीक है, नहीं तो लिख लो तुम लोग, ये सिक्स टू, देख यहाँ पे ये रहा लैक्रिमल सैक, ये रहा लैक्रिमल ग्लैंड, दिख गया तुम लोग को, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तुम लोग देख सकता है ये देख, फिर लिखता है यहाँ पे, हाँ ये रहा, दे ऑल्सो हैव एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, अब तुमसे पूछ लेंगे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आई बताओ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखता है जो एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम क्या है, लाइजोजाइम, क्या नाम है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है तुम्हें। अब एक चीज हम तुमको बताते, ठीक है, क्या रिलेटेड टू आई, कान में, ठीक है, तुम लोग देखना कान में वैक्स जमता है, देखा है ना, उसी तरह जब सुबह उठते तो आंख में भी कुछ जमा हुआ रहता है वैक्स टाइप का, उसको क्या बुलाते हैं, तुम लोग पढ़ा तो स्किन चैप्टर में लास्ट ईयर, हाँ ठीक, हिंदी नाम तुम लोग बता रहे हैं, ठीक है, सेरुमेन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, नाइन्थ में पढ़ा था, ध्यान तो देता कुछ है नहीं तुम लोग, तो ध्यान रखना, वो बात भी सही है। चलो टीयर डक, अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ टीयर क्या है, ल्यूब्रिकेट द सरफेस ऑफ द आई, रो रोज रो, ठीक है, आंख साफ करता है, वॉश अवे डस्ट पार्टिकल्स, हेल्प इन किलिंग जर्म्स, ठीक है, और कम्युनिकेट इमोशन, तो चौथा पॉइंट में आता है, इसको ज्यादा नहीं ध्यान दिया गया है, तो ये रोने धोने से क्या होता है, आंख साफ होता है, ठीक है। अब चलो इसके बाद क्या होता है, कंजक्टिवा, अब कंजक्टिवा क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेम दी फॉलोइंग में थीनेस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिफोर द आई, ध्यान दे, इट इज अ थीन मेम्ब्रेन कवरिंग द इंटायर पार्ट ऑफ द आई, इट इज कंटिन्यूस विद द इनर लाइनिंग ऑफ आईलिड्स, Over the cornea, it is reduced to a single layer of transparent epithelium. ये epithelial tissue का बना रहता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो आगे का layer होता है, वही कौन है? Conjunctiva. हिंदी में बोले तो आँख आना जो सुना है तुम लोग, that is called conjunctivitis. वो इसी में infection हो जाता है। इसी में क्या हो जाता है? ठीक है, देखा ना, red eye. इसको red eye बुलाते हैं। तो वही है. Infection in conjunctiva is known as conjunctivitis. Inflammation of meninges is known as मेनिनजाइटिस, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे इंफेक्शन अगर हो जाए तो उसको क्या बुलाते हैं, कंजक्टिवाइटिस बुलाते हैं, ध्यान रखना सब बच्चा, देख ले, यू मस्ट हैव ऑफन हर्ड ऑफ ए वेरी कॉमन आई डिजीज कंजक्टिवाइटिस, तुम लोग देखा है कि बोलते हैं कि ना किसी को अगर है तो बोलते चश्मा पहनने बोलता है, ठीक है, तो चश्मा पहनने इसलिए बोला जाता है, वो एक वायरल डिजीज है, जल्दी फैलेगा, तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इन विच द आउटर मोस्ट लेयर टर्न्स रेड ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन, कोरोना भी कैसा वायरस का ही है ना, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, द बोनी ऑर्बिट सॉकेट आईब्रोज टीयर ग्लैंड्स एंड कंजक्टिवा सर्व्स फॉर आई प्रोटेक्शन इन देयर ओन वे, तो एक चीज देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये सब आई को प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, आई को क्या चीज में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऑड वन का क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है, वो हम बताएंगे, तुम ध्यान देना यहाँ पे कौन कौन प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बताए, आईब्रो आईलेसेस ऑर्बिट, ठीक है, सॉकेट टीयर ग्लैंड्स कंजक्टिवा, ये सब प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब चालू होता है तुम्हारा यहाँ से चैप्टर, आंख का डायग्राम नहीं पूछा है, ठीक है, ज्यादातर तुम लोग को लेवलिंग करनी ही आया है, ठीक है, लेकिन तुमको फिर भी सजेस्ट करेंगे कि आंख का डायग्राम बना के रखना, आंख का क्या करके रखना, हम तुमको बता देंगे कैसे बनाया जाता है, क्या करो ताकि तुम लोग को आसानी से बना सको, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है लेवलिंग के लिए, यहाँ कोई मतलब नहीं है कि हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट है तुम सही बना के आएंगे, नहीं, यहाँ हमको बायोलॉजी में आर्ट नहीं देखना है, यहाँ पे लेबलिंग पे मार्क्स मिलता है। अब चलो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल, तो तुम लोग ध्यान से सुनो, पहले हम तुमको बताएंगे फिर हम तुमको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें तुमको सब चीज और अच्छे से क्लियर होने लगेगा, ठीक है, तो एक बार पहले अच्छे से सुन ले कि किसको कौन से पार्ट को क्या नाम से बुलाया जा रहा है। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल, द वॉल ऑफ द आईवॉल इज कम्पोज ऑफ थ्री कोसेंट्रिक लेयर्स, ठीक है, तुम लोग को पता है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स क्या होता है, पता है, सर्किल पढ़ाई है जिसका कॉमन सेंटर होता है भैया, सबसे बाहर आउटर स्क्लेरोइटिक लेयर हुआ, मिडिल में कोरोइड हुआ, और इनर में क्या हो गया तुम्हारा रेटिना, तो तीन लेयर का है। अब सुन सब बच्चा एक चीज ध्यान से, स्क्लेरोइटिक, कोरोइड और रेटिना, ये जो स्क्लेरोइटिक लेयर है तुम लोग यहाँ पे अब डायग्राम पे भैया कौन सा डायग्राम करे, दोनों एक ही है, ठीक है, नीचे वाला तुम लोग कर, तो यहाँ पे भैया देखिए सबसे पहले जो मार करवा रहे तुम लोग मार करो, स्क्लेरा में वर्ड लिखो,
ये जो स्क्लेरा लिखा है ना, स्क्लेरा, उसमें वन लिखो, वन और उसमें टू। सबसे बाहर वाला यहाँ पे कौन सा लेयर है? स्क्लेरेटिक लेयर है जो बताया, और दूसरा वाला कौन सा लेयर है? कोरोइड लेयर है। दूसरा वाला कौन सा लेयर है? कोरोइड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, स्क्लेरेटिक लेयर और क्या है? कोरोइड। अब बता रहे ये क्यों मार्किंग करवाए, सुन ले सब बच्चा, कंफ्यूजन तुमको ना हो, इसलिए हम तुमको यही बता रहे भैया, ये जो वन वाला लेयर है ये आगे भी गया है, ये क्या हुआ है? आगे भी गया है। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या बन गया भैया, सुनना, द स्क्लेरेटिक लेयर इज मेड अप ऑफ टफ फाइबरस टिश्यू एंड इट इज व्हाइट इन कलर। तेरे को क्या बोले थे हम, आंख का जो व्हाइट पोर्शन दिखता है वो क्या है? कॉर्निया बोले थे। क्या बोले थे? यहाँ तो भैया ये स्क्लेरेटिक बता रहा है, अब गलत बताए नहीं, अब पढ़ो, The white portion of the front of the eye is sclerotic layer, ठीक है? Itself visible through the conjunctiva, it bulges out and become transparent, ये transparent layer है, इसीलिए light इससे जा आ पाता है, ठीक है? मतलब तुम लोग पढ़ाई है physics में transparent का क्या मतलब है? In the front region where it colored part of the eye, this part is called cornea. तो sclerotic का आगे वाला part को ही क्या नाम दिया गया है? Cornea दिया गया है। तो अब cornea में भी one लिख लो, cornea में भी क्या लिख लो? One. तो ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है? सर्कल का ये पीछे वाला स्क्लेरेटिक है, आगे वाला का नाम क्या रख दिया गया? कॉर्निया। तो तुम लोग, हम लोग सब अपने आंख में जो व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं वो क्या है? वो कॉर्निया है। वो क्या है? स्क्लेरेटिक तो दिख ही नहीं रहा, वो तो पीछे है भैया, जो दिख रहा है वो तो क्या है? कॉर्निया है। वो क्या है? कॉर्निया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। समटाइम्स द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट्स ओपेक एंड नॉन फंक्शनल। In such cases, the defective cornea can be replaced by healthy cornea from a donated eye. ये बात बोले थे ना तुम लोगों, तो cornea ही donate होता है, ध्यान रखना। Donation of eye, ठीक है? अभी सबका कभी हम लोगों को काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलो देखो, यहाँ पे देखो अब क्या बता रहा है। दूसरा आया choroid layer, ठीक है? उसके बाद कौन सा आया? तो नंबर लिखवाई दिए तुम लोगों को। इसमें बहुत खास बात क्या है, सुनना, इसका आगे का एक्सटेंशन क्या बनता है, इसके आगे का एक्सटेंशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके आगे का एक्सटेंशन क्या बनता है भाई? एक्सटेंशन क्या हुआ, मतलब आगे जाके ये क्या क्या चीज में कन्वर्ट हो गया है। द कोरोइड लेयर इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब तुम लोग अपने आंख में देखा ही है सब बच्चा, आंख में देखोगे तो आंख में तुमको क्या नजर आएगा? ब्लड, रेड रेड कलर का वेसल्स नजर आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, लिखता है द कोरोइड लेयर इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द आई। अंडरलाइन करो इसको, क्या देता है वो? ठीक है, तुम लोग सब पढ़ाया हुआ है कि आरबीसी रहता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो नरिशमेंट हो रहा है इसका। इट कंटेन्स ए डार्क ब्लैक पिगमेंट मेलानिन। हम तुमको एक बात और भी बताया गया था नाइन्थ क्लास में, वापिस बता देते, तेरे बाल को, तेरे आंख को, ठीक है, जो कलर दे रहा है, तेरे स्किन को जो कलर दे रहा है, वो कौन दे रहा है? मेलानिन दे रहा है, ठीक है? जिसके स्किन में ज्यादा मेलानिन रहेगा वो उतना काला रहेगा, ठीक है? जिसके स्किन में कम है वो उतना फेयर रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, और ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्किन, हेयर एंड आईज, ठीक है? ये ध्यान रखना, स्किन, हेयर एंड आईज, ओके? तो ये ध्यान रखना कलर के लिए। विच प्रिवेंट्स लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग इनसाइड द आई। तो यही लाइट रे को स्कैटर करने और रिफ्लेक्ट करने में क्या करता है? करने नहीं देता है, ठीक है? ये लाइट को स्कैटर या रिफ्लेक्ट करने नहीं देता है भैया, मेलानिन। अब सुन, यहाँ पे यही चीज बोल रहे थे, द कोरोइड एक्सपेंड्स टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी कंटेनिंग सर्कुलर मसल्स। अंडरलाइन करना इसको, तुमसे क्वेश्चन आएगा दो चीज का और बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है। हम जरा सा एक बार वापिस तुमको पीछे लेके जाते हैं और उसके बाद हम तुमको डायग्राम पे फोकस करवाएंगे सब। अच्छा, इस पे देखो, स्क्लेरा हो गया, फिर यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कोरोइड। कोरोइड आगे जाके एक यहाँ पे क्या बना रहा है? सिलियरी मसल्स तुम लोग को दिख रहा होगा, और फिर ये आगे जाके भैया आयरिस बना रहा है, फिर आगे जाके क्या बना रहे? हम तुमको और अच्छे से फिगर बना के दिखाते हैं तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। सब अच्छा देखो, फिगर बना देख, ऐसे करके आंख बनाना है, ठीक है? ये आउटर लेयर है, इसको कर्व करना है, ठीक है? ऐसे करके, क्या करना है? एक सर्कल बना लो, ठीक है? सर्कल तो नहीं, उल्टा ओवल टाइप का बना, ठीक है? और इसको ऐसे करके थोड़ा सा कर्व करके इससे जोड़ दे, ठीक है?
फिर अंदर वाला क्या करना है तुमको, लेयर दिखाना है। सुनो, जो जो स्पेसिफिकेशन जो चाहिए मेरे को तो वो हम बता रहे हैं तुमको। उसके बाद दूसरा लेयर जो डबल मेम्ब्रेन है सारा, ठीक है, अभी हम पहले एक ही मेम्ब्रेन का बता रहे हैं। ये ऐसे गया भैया, ठीक है, आंख के सामने, इसको अब हम डबल कर दिए, ठीक है, ऐसे करके ये जो दिखा है, ठीक है, ये क्या है, ये आयरिस है, ये क्या है, इसी से ऐसे करके तुमको सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऐसे करके निकला, और इधर से भी, और इसमें जो बीच में है ये, दिस इज लेंस, यही लेंस है, ठीक है, यही क्या है, लेंस है। समझ में आ गया तुम लोग को, मेन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सब देखो, ये है आयरिस भैया, ये क्या है, और इन दोनों आयरिस के बीच में जो जगह बनता है, लाइट इसी से एंटर करता है, और इसी को हम लोग बुलाते हैं प्यूपिल। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तुमको बताएंगे और तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है, हम बताएंगे क्या है, और बहुत कॉमन सा चीज है ये। पहले अभी देख ले लेबलिंग, प्यूपिल क्या है, स्पेस है, कोई पार्ट नहीं है, प्यूपिल जो है वो आयरिस के बीच, दोनों आयरिस के बीच का क्या है, स्पेस, जो कंट्रोल्स दी एंटरिंग ऑफ लाइट। लाइट कितना एंटर करेगा वो कौन कंट्रोल करता है, बहुत बार आया हुआ है फंक्शन लिखने, तो करना है यार तुम लोग को, ठीक है ना, अब ये चीज ध्यान रखना। तो देख, ये ब्लू वाला पार्ट दो चीज में है, ठीक है, क्या क्या इसका एक्सटेंशन बताए, एक सिलियरी मसल्स है और दूसरा क्या है, आयरिस है, दूसरा क्या है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा इसको कभी भी, ठीक है। तो ये कोरोइड का एक्सटेंशन है, सिलियरी मसल्स, और क्या बताए भैया आप लोग को, आयरिस। अब हम लोग चलते हैं सिलियरी मसल्स का फंक्शन पे, सिलियरी मसल का क्या चीज पे, फंक्शन। ओके, सुनना ध्यान से, देख यहाँ पे सब बच्चे अंडरलाइन करो, सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल्स कंटेन सर्कुलर मसल्स, द स्मूथ मसल्स इन द सिलियरी बॉडी अल्टर्स द शेप ऑफ द लेंस, अंडरलाइन कर लो। बहुत बच्चा को दो चीज में कंफ्यूजन होता है, एक सस्पेंसरी लिगामेंट में और एक सिलियरी मसल्स में। तो सिलियरी मसल्स का पहले फंक्शन अंडरलाइन करो, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब में हम बता रहे तुमको, अंडरलाइन करो, अल्टर्स द शेप ऑफ द लेंस। भैया अभी आप जो दिखाए हम लोग को डायग्राम बना के, साफ साफ हमको दिख रहा है कि ये जो वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट जो ऐसे करके दिखाए, किसको पकड़ के रखा है, लेंस को, तो लेंस के शेप को अल्टर करेगा, लेंस के शेप को क्या करेगा, अल्टर करेगा, साफ साफ चीज दिख रहा है भैया एकदम, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए यहाँ पे किसी को। तो सब अच्छा अंडरलाइन कर लो और वहां पे एफएनसी लिख लो, तो ये इसका फंक्शन हो गया, अल्टर द शेप ऑफ द लेंस, ठीक। अब देखिए इसके बाद फिर कौन आया भैया, फिर आता आयरिस, द आयरिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ कोराइड, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ, टू एक्सटेंशन ऑफ कोराइड बताओ, एंड पीपल बोलता है सिलियरी मसल्स, ठीक है, यहाँ पे देखो फिर हो गया सिलियरी मसल्स नहीं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखता है पार्सली कवरिंग द लेंस एंड लीविंग ए सर्कुलर ओपनिंग, जिसको क्या बुलाते हैं, प्यूपिल, आ गया यहाँ पे। अब तुमको बताते हैं प्यूपिल तुमको देखना है, तो आंख में ब्राउन कलर का जो दिख रहा है वो है आयरिस, जो तुमको आंख को कलर दे रहा है वो है आयरिस, आंख को जो कलर दे रहा है, ठीक है। हम लोग इंडियंस, हम लोग पढ़े थे जेनेटिक्स में, दो ही कलर होता है मेनली, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है, ब्राउन और तो ब्राउन और ब्लैक जो है वो आयरिस दे रहा है, उसके अंदर है ब्लैक, ब्लैक पोर्शन, उसके अंदर क्या है, वो ब्लैक पोर्शन ही है प्यूपिल, वही क्या है, तुम देखना प्यूपिल कभी बड़ा हो जाता है, प्यूपिल कभी छोटा हो जाता है, ठीक है। प्यूपिल से तुमको बताते, तुम लोग देखना, बहुत बार क्या होता है, पुलिस लोग जो टेस्ट करता है लाइट डिटेक्टर टेस्ट, प्यूपिल डायलेटेड रहेगा, तुम पता कर सकते हो कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो प्यूपिल का डायलेशन से। तो यहाँ पे हम ये चीज बता रहे, अगर मेरे आंख में लाइट ज्यादा आना होगा तो प्यूपिल पूरा डायलेटेड रहेगा, तभी ना, वो खुला हुआ रहेगा तो भैया लाइट ज्यादा एंटर कर रहा है, और बंद रहेगा तो लाइट, इसी कारण सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन जो बोल रहे थे तुम लोग अपने लाइफ में देखे होगे, सब सिनेमा हॉल यहाँ पे गया है, ठीक है, सिनेमा हॉल के अंदर जैसे भैया घुसते हैं कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब बाहर थे तो प्यूपिल मेरा कॉन्स्ट्रिक्टेड था, प्यूपिल क्या था, बहुत रोशनी आ रहा था तो कॉन्स्ट्रिक्टेड था, जैसे अंदर गए तो भैया आप तो रोशनी अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंधेरा है हॉल के अंदर, तो क्या है, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे, अब ये दूसरा फेनोमेनन है, इसको कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ दी आई, इसको क्या कहा जाता है, तो ये कौन एडजस्ट किया, प्यूपिल किया, कैसे किया होगा भैया, ठीक है, तो यहाँ पे भैया एकोमोडेशन ऑफ आईज जो हुआ फोकल लेंथ चेंज करके हुआ, ये भी एक टॉपिक है तुम लोग का। तो सुनना, पहले तो लिखता है प्यूपिल के बारे में,
कौन सा बच्चा? द ब्लू ब्राउन और ब्लैक कलर ऑफ द आई रिफर्स टू द कलर ऑफ द आइरिस। अंडरलाइन करो इसको। तो कलर जो है ये आइरिस का एक्चुअली फंक्शन नहीं है, हम फिर बोल रहे हैं, ठीक है। आंख को जो कलर देता है वो होता कौन है? आइरिस, ठीक है। मतलब आंख का यहाँ पे वो नहीं है। द ब्लू ब्राउन और ब्लैक कलर जो बात कर रहे हैं वो किसका कलर का बात कर रहे हैं? आइरिस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, द आइरिस कंटेन्स रेडियल मसल्स टू वाइडन एंड सर्कुलर मसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट द पिपिल, ठीक है। तो वाइडन और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे दिस एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द पिपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है ना। तो ये पिपिल का साइज एडजस्ट करके हम लोग कितना लाइट को एंटर करवाना नहीं करवाना वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप। You can easily observe that by throwing a torch light into the eye, ठीक है? किसी के आँख में अगर observe करना है तो उसके torch मार के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। The retina or the innermost layer is sensitive to light. अब सबसे inner layer कौन सा आ गया? Retina. भैया आप जो पीछे ऐसे करके choroid में बनाए थे तो ये वाला जो part है, this is retina. इसी से तुम्हारा ऐसे करके यहाँ से एक नर्व निकलता है जिसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्टिक नर्व। क्या नाम दिया है? जो ब्रेन को जाता है। कहाँ जाता है? हम कोई चीज को सीधा को देख रहे तो आंख में उल्टा बन रहा है, आंख में क्या बन रहा है? और ब्रेन उसको क्या करता है? सीधा करता है। तो आंख में जो ये रेटिना पे जो इमेज बनता है वो उल्टा इमेज बन रहा है भैया, ठीक है। आंख पे जो इमेज बन रहा है वो उल्टा इमेज बन रहा है, तुम लोग सब बच्चा ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो, ठीक है। तो इतना चीज जो बताए हैं, अब हम तुम लोग को एक दो चीज और बता देते रिलेटेड टू आई, तुम लोग पहले सुन लो, ठीक है। फंक्शन बाद में बताएंगे, स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो देख यहाँ पे, इसमें तुम लोग को बायोलॉजी में क्वेश्चन पहले आता था, अभी रिसेंटली नहीं आ रहा है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। सीक्वेंस मतलब पाथ बताओ, सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुमको, अब यहाँ पे हम जितना चीज बताए उसके हिसाब से दो चीज हमको एक और बताना बचा है। एक है एक्वस ह्यूमर, दूसरा है विट्रस ह्यूमर। लेंस के सामने और कंजक्टिवा, देख लेंस के आगे तुम लोग को एक स्पेस दिख रहा है जिसका नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। लेंस के सामने जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, हम दिखा देते येलो कलर से करके, इतना सा स्पेस, दिस इज एक्वस ह्यूमर। इसको क्या बुलाते हैं? एक्वस ह्यूमर। अभी आया नहीं है कलर, उसको एक्वस ह्यूमर बुलाते हैं। और लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बुलाते हैं? विट्रस ह्यूमर बुलाते हैं। उसको क्या बुलाते हैं? विट्रस ह्यूमर बुलाते हैं। भैया इसका काम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बुक में है, तो हम चलो फंक्शन भी बता ही देते, फिर तुम लोग को वीडियो दिखाएंगे ताकि तुम लोग पूरा अच्छे से समझ जाओ कि क्या स्ट्रक्चर है। लाइट जो एंटर किया सबसे पहले कहाँ गया? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा से कहाँ जा रहा है भैया? आपका कॉर्निया। फिर कहाँ आ रहा है आपका? एक्वस ह्यूमर। फिर कहाँ आ रहा है? प्यूपिल से होके लेंस, लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बाद कहाँ पे? रेटिना पे, ठीक है। फिर आगे जाना तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जा रहा है, ठीक है। उतना तुमको पढ़ने का काम नहीं है। तो ये जो चीज बताया पूरा सीक्वेंस है जिससे लाइट ट्रेवल किया है, तो अब तुम लोग पूरे आंख के बारे में अच्छे से देख लो ताकि तुमको कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। Enables us to see the beautiful, colorful world around us. Let us discuss about the important parts of the eye and their functions. Cornea. The front part of the eye is covered by transparent spherical membrane called cornea. Light enters the eye through cornea. Iris. Just behind the cornea is a dark-colored muscular diaphragm which has a small circular opening in the middle. Pupil. Pupil is a small circular opening of iris. The pupil appears black because no light is reflected from it. The dark center in the middle of the iris. The pupil determines how much light is let into the eye. ये चीज ध्यान रखना, ये लिख लो, प्यूपिल जो है डिटरमाइन करता है कि कितना लाइट एंटर करेगा आंख में, ठीक है। ये नहीं दिया है बुक में, तुम लोग लिख लो। तो प्यूपिल का अगर फंक्शन पूछेगा तो वो क्या डिटरमाइन करता है कि कितना लाइट आंख में एंटर करने वाला है, ठीक है। तो लिख लेना सब बच्चा। चेंजेस साइजेस टू अकोमोडेट फॉर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज अवेलेबल। द आइरिस रेगुलेट्स द
the light by adjusting the size of the pupil. अब आइरिस का फंक्शन ये लिखना है, तो आइरिस क्या करता है, रेगुलेट द लाइट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है, ये ध्यान रखना, गिव कलर टू द आई मत लिख के आना. आइरिस रेगुलेट द लाइट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल. आइरिस रेगुलेट द लाइट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल. Let us see how iris regulates and controls the amount of light entering the eye. When the intensity of light is more, or if it is a bright source of light, then the iris makes the pupil to contract, and as a result, the amount of light entering the eye decreases. When the intensity of light is less, or if the light is dim, then the iris dilates the pupil so that more light can enter the eye. Eye lens. The eye lens is a convex lens made of a transparent. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग का जो आंख का लेंस होता है, ठीक है, वो कौन सा लेंस है? तो वो कॉन्वेक्स लेंस है. कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्केव नहीं होता, वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. तो ये बात ध्यान रखेगा सब बच्चा, ये पढ़ेंगे अभी आगे जाके हम लोग. तो देख यहाँ पे कितना अच्छा से ये दिखा रहा है पूरा 3D डायग्राम में कि आंख जो है हम लोग का कैसे. अब इसके बाद तुमको अभी एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर के बारे में जो बताया वो देखो, और रेटिना क्या होता वो देखो. जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल. द आई लेंस इज हार्ड एट द मिडल एंड ग्रेजुअली बिकम्स सॉफ्ट टुवर्ड्स द आउटर एजेस. द आई लेंस is held in position by ciliary muscles. So हम लोग अभी पढ़े ciliary muscles के बारे में, तो वो क्या बताया था? Alters the shape of the lens. वो lens के shape को क्या करता है? Alter. तो वो हम लोग को ठीक है, वो याद रखना, तुम लोग underline भी कर लिया है. The ciliary muscles help in changing the curvature and focal length of the eye lens. Retina. The inner back surface of the eyeball is called retina. It is a semi-transparent membrane which is light sensitive and is equivalent to the screen of a camera. The light sensitive receptors of the retina are called rods and cones. When light falls on these receptors, they send electrical signals to the brain through the optic nerve. The space between the retina and eye lens is filled with another fluid called vitreous humor. Blind spot. It is a spot at which the optic nerve enters the eye and is insensitive to light, and hence the name. Let us ठीक है, तो यहाँ पे भी तुमको जो लास्ट चीज बताया वो क्या चीज के बारे में बताया? ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है, तो हम अभी हम तुमको वो चीज बताने वाले कि व्हाट इज येलो स्पॉट एंड व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट. उससे पहले हम तुमको ये बताएंगे कि हम लोग का जो आंख को कलर देता है, ठीक है, तो आंख को जो कलर दे रहा है, ठीक है, वो सब तुम लोग डिस्कस कर चुके. अब हम तुमको बताएंगे कि विजन, ठीक है, तुमको और एक दो बात बताते. तुम लोग को कभी नोटिस किए हो कि नहीं, हमको नहीं पता, दो आंख क्यों दिया है भगवान हम लोग को? ठीक है, एक आंख से भी तो देख सक रहे हैं. नोटिस किया दो आंख का क्या कारण होता होगा बताओ? ठीक है, चलो एक बात सही है कि फेस में अच्छा नहीं लगेगा. और क्या लार्ज एरिया कवर करेगा वाला, मतलब बोलना चाह रहा है वाइडर व्यू होगा. ठीक है, सुन, तुम लोग को एक चीज बताते, नोटिस अगर करना है, ठीक है, छत पे जाना कभी, ठीक है, तुम लोग कोई दूर का कोई चीज देखना, ठीक है, दूर का कोई चीज देखना, मान लो यहाँ पे अगर हम कोई दूर का, इधर उधर मत देखना सीधे, ठीक. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दूर का कोई चीज देखना, तो जैसे मान लेते हैं भी मेरे सामने दूर में एक पेड़ दिखाई दे रहा है या बिल्डिंग ही मान लेते हैं, ठीक है, एक आंख बंद करके अगर देखेंगे, ठीक है, एक आंख अगर बंद करके देखेंगे तो तुम लोग सिर्फ लेंथ और ब्रेथ बता पाओगे. क्या बता पाओगे? उसका डेप्थ नहीं बता पाओगे. उसका क्या डेप्थ है नहीं बता. तो बाइनोकुलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दो आंख. हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3D अगर देखना है तो
तो हम लोग को कौन जिम्मेदार उसके लिए? दोनों आंख। समझ में आया ये चीज? तो दोनों आंख हमको बाइनाकुलर विजन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से हम लोग कोई भी चीज का डेप्थ बता पाते हैं, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बता पाते हैं। समझ में आया ये चीज? तो ध्यान रखना, एक आंख बंद करके अगर देखोगे तो उसका एक्चुअली में क्या डेप्थ है तुम नहीं बता सकोगे, ठीक है? उसका क्या एक्चुअल डेप्थ है वो तुम नहीं बता सकोगे। तो यही बात हम तुमको बता रहे। तो पहला चीज तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा चीज हम तुमको ये बता रहे कि आंख जो है हम लोग को कैसा, हम लोग को सब चीज कलरफुल दिखाई देता है, तो उसके लिए कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? तो बताया था अभी हम लोग के आंख में फोटो रिसेप्टर्स होता है। फोटो रिसेप्टर सेल्स का नाम क्या है? रॉड्स और कोन्स है। रॉड्स और कोन्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है? रॉड्स और कोन्स कैसा सेल शेप का होता है? रॉड्स और कोन्स में कौन कलर विजन है और कौन डीप है तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये तीन चीज तुमको याद करना है। तो चलो बुक में वापिस चलते हैं और ध्यान से इसको देखते हैं। तुम लोग अंडरलाइन भी करना इसको। चल देख यहाँ पे अब क्या आता है तुम्हारा, रॉड्स और कोन्स, ठीक है। पहले यहाँ पे ही पढ़ लेते, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और हर साल ये क्वेश्चन आता है, मानो मेरा बात, ठीक है। द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। किसके लिए सेंसिटिव बता रहा है? डीम लाइट। डीम लाइट मतलब बट डू। चल देख यहाँ पे क्या बता रहा है, सुन। द रॉड सेल्स इनर एंड रॉड्स आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। तो सबसे पहले ये डीम लाइट भी क्या होता है, तो हम तुम लोग को पहले ही बता देते हैं यहाँ पे कि डीम लाइट मतलब क्या हो गया ये, बट डू नॉट रिस्पॉन्ड कलर, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन से विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कौन से विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। चल सुन, तो तुम लोग को बता रहे थे पहला, तो यहाँ पे तुम लोग डिम लाइट की जगह लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट। डिम लाइट की जगह लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट। तो रॉड सेल जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट के लिए हम लोग को रिस्पॉन्सिबल होता है, दे कंटेन पिगमेंट रोडोस्पिन। भैया कैसे याद रखेंगे? आर फॉर रॉड, आर फॉर रोडोस्पिन, ठीक है। और विजुअल पर्पल। द रॉड सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेटिना। भैया ये पूरे रेटिना में क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है। कौन सा सेल्स? रॉड। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके बारे में बताए। तो कैसा विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा पिगमेंट होता है भैया? रोडोस्पिन। इसका शेप भी बता देते, रॉडी शेप का होता है। किस शेप का होता है? रॉड शेप का। भैया आपको इतना चीज कहां से पता? ये नीचे लिखा हुआ है, देख। रॉड जो होता है यहाँ पे देख लो, कोन्स क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ से तुमको पढ़ना है, क्योंकि डिफरेंशिएट तुम लोग पढ़ चुका है कि किस तरीके से पूछा जाता है। अब तुम लोग देखो दूसरा आता है कोन्स के बारे में। तो कोन्स जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भैया? कलरफुल विजन के लिए। ये किस विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलरफुल, ठीक है। तो हमको कलरफुल विजन जो है देखने में हेल्प करता है वो कौन होता है? कोन। और इसका शेप भी किस शेप का होगा बताओ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन दे कंटेन पिगमेंट आइडोस्पिन। कौन सा पिगमेंट होता है? आइडोस्पिन। तो ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। देयर कोन सेल्स आर मोस्टली कॉन्फाइंड टू येल्लो स्पॉट। अब भैया यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, व्हाट इज येल्लो स्पॉट? तो येल्लो रेटिना में बिखरा हुआ रहता है कौन सा? रॉड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट। येल्लो स्पॉट जो होता है, हम लोग पूछ रहे, हम बोल रहे थे, तुम लोग जब हम लोग पढ़ते हैं तो मुंडी ऐसे हिलाते हैं, अभी भी हम स्क्रीन पढ़ रहे तो ऐसे करके मुंडी हिला रहे। कारण इसका यही है कि मेरे आंख में सबसे अच्छे से जो देख सके वो कहाँ पे बनता है? येलो। तो वो लाइट रे वहीं पे जाके कंसंट्रेट करे, इसीलिए हम लोग अपना चेहरा को क्या करते हैं? हिलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो वो जो स्पॉट है येलो स्पॉट इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन, इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन। तो चलो देखो यहाँ पे क्या चीज के बारे में बताता है यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस्ट विजन। अब देख यहाँ पे सब अच्छा। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स इज नॉट यूनिफॉर्म। तो बराबर नहीं है। तो बोला सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? येलो स्पॉट पे। कहाँ पे पाया जाता है? द पर्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड द मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ इसका मतलब? स्पॉट येलो स्पॉट ही हो गया। और देख यहाँ पे क्या नाम दिया है? येलो स्पॉट। और हम तुमको बता रहे यहाँ पे नहीं दिखा रहे, फोबिया सेंट्रालिस भी होता है, ठीक है। क्या नाम बताया तुम लोग को? फोबिया सेंट्रल। बहुत बार ऐसे करके क्वेश्चन देता है, बात मारो मेरा, फोबिया सेंट्रालिस, ठीक है। ये ध्यान रखना,
ये येलो स्पॉट का ही नाम है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे करके आता है और बस पूछता है फंक्शन बता, क्या बता, फंक्शन, ठीक है। तो तुमको पता ही नहीं है कि फोबिया सेंट्रालिस क्या है, या लोकेशन पूछता है, क्या पूछता है, इसका मेन लोकेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आप देखो ये क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अंडरलाइन करो सब। लाइज एट द बैक ऑफ द आई, ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल, इतना लिखने पे तुमको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक मार्क्स। तो ये सब तुमको याद करना है, ठीक है। बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आता है, एलओसी लिख दिए यहाँ पे, लोकेशन पूछा जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे अच्छा क्या होता है, विजन सबसे अच्छा दिखाई देता है। येलो स्पॉट इज द प्लेस ऑफ बेस्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई, दिस इज द रीजन, ठीक है। ये रहा गिव रीजन का क्वेश्चन, व्हाई वी हैव टू मूव अवर आईज फ्रॉम वर्ड टू वर्ड एज यू रीड अ लाइन थ्रू अ प्रिंटेड पेज, समझ में आ गया ये चीज, तो यही बात बताया। इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट, तो यहाँ पे देर आर नो सेंसरी सेल्स हियर, देयरफॉर दिस इज अ पॉइंट ऑफ नो विजन। तो तुमसे पूछ लेंगे ऐसे, बताओ कि हमको यहाँ पे पार्ट ऑफ द आई जहाँ पे नो विजन रहता है, तो क्या लिख के आएगा, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। दिस इज द पॉइंट एट विच द नर्व फाइबर फ्रॉम ऑल द सेंसरी सेल ऑफ द रेटिना कन्वर्जेस एंड बंडल आउट टुगेदर टू लीव द आई बॉल इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो ये तुम्हारा लोकेशन हो गया, ठीक है। अब हम तुमको मार्क करके दिखा देते हैं कहाँ पे होता है, ये इसका लोकेशन लिख ले। अब तुम लोग वापिस से डायग्राम में चलो, तुमको दिखाते हैं कि दोनों कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऊपर वाला में ये चीज देखो, यहाँ है ना मैक्यूला ल्यूटिया, फोबिया सेंट्रालिस भी इसी का नाम है। तो ये जो एक्चुअली आगे दिखाया है ये पीछे है, ठीक है। यहाँ पे हम येलो कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे मार करो, ठीक है। कर्वेचर रेटिना के ऊपर होता है, रेटिना के कहाँ होता है, वो आगे प्रिंटेड है। नीचे वाला का दिया हुआ है ब्लाइंड स्पॉट, देखो कहाँ पे हम काला कलर से कर देते हैं, नहीं लाल कलर से कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व और रेटिना जहाँ मिल रहा है वहीं पे क्या है तुम्हारा, ब्लाइंड स्पॉट है। तो सब देख लिया होगा, तो तुम लोगों को बताएं यहाँ पे यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स रॉड्स एंड कोन्स आर नॉट प्रेजेंट, वेरी गुड। यहाँ पे रॉड्स और कोन्स जो भैया प्रेजेंट नहीं होता है, तो गड़बड़ नहीं करना है तुम लोग को, ये सब चीज ध्यान रखना है। इसके बाद आता है लेंस, तो लेंस कैसा होता है भी बता चुके हैं तुम लोगों को, तो बाई कन्वेक्स, कन्वेक्स भी क्या है भैया, देखिए दोनों तरफ से, इधर से और इधर से, तो बाई कन्वेक्स हो गया। यहाँ पे क्रिस्टलाइन बॉडी लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, अंडरलाइन करो लोकेशन, जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, इट कंटेन्स ट्रांसपेरेंट लेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, द लेंस इज कलेक्टिवली हेल्ड बाय पोजिशन ऑफ फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट विच एट, अब देखो यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट अलग चीज है और सिलियरी मसल्स अलग चीज है। तो लेंस को जो होल्ड करके रखा है वो कौन करके रखा है, सस्पेंसरी लिगामेंट, और उसका जो शेप को अल्टर करता है वो कौन करता है, सिलियरी बॉडीज या सिलियरी मसल्स। तो कंफ्यूज नहीं करेगा कोई भी बच्चा, लेंस को जो होल्ड करके रखा है वो कौन है, सस्पेंसरी लिगामेंट, लेकिन लेंस का जो अल्टर करता है शेप वो कौन करता है, सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी। तो कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, क्योंकि बहुत गलत होता है सबका, तुम लोग नहीं करके आना। द सिलियरी बॉडी लाइज एट द जंक्शन ऑफ कोरॉइड एंड द आयरिस, पहले ही पढ़ चुके हम लोग, एंड इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ कोरॉइड, पहले भी आया था। द सिलियरी बॉडी कंटेन्स मसल्स व्हिच ऑन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस। तो फिर से आ गया यहाँ पे उसका फंक्शन, अल्टर्स द शेप ऑफ लेंस, पहले पढ़े थे, यहाँ पे वही चेंज बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, टू चैम्बर्स ऑफ द आई, इसका बस तुमको क्या करना है, लोकेशन और फंक्शन। तो भैया पहला जो होता है लेंस के आगे इज इन फ्रंट चैम्बर बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, तो अंडरलाइन करो इसका लोकेशन, और जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना, तुम लोग कर्व लाइन बना ले, ठीक है, लोकेशन के लिए कर्व लाइन ऐसे करके बना दे, ठीक है, लोकेशन हो गया। इट बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, इट इज फिल्ड विद ए क्लियर वाटरी लिक्विड एक्वस ह्यूमर। अब सुनो सब बच्चा, एक्वस ह्यूमर का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कीप्स द लेंस मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल शॉक, दूसरा क्या भैया, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्ट है, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्ट। तो सब बच्चा ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ विट्रस ह्यूमर में, भैया विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, फिर से मार्क करना लोकेशन सब बच्चा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का लोकेशन है तुम्हारा। लिखता है यहाँ पे बिहाइंड द लेंस, लिख दिया कहाँ पे लिख दिया, तुम बिटवीन द लेंस एंड रेटिना भी लिख सकते हो और स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पे चलो बिहाइंड द लेंस दिया है, तो हम तुमको यहाँ चाहेंगे और अच्छे से लिखो, बिटवीन द क्या लिखोगे, लेंस एंड रेटिना, कहाँ पे रहता है, बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, ठीक है।
विद ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूड या उसको थिकर फ्लूड, उसका नाम क्या है? विट्रस ह्यूमर। अब एक बात बता, सब यहाँ पे होली में गुब्बारा फुलाया होगा, बैलून फुलाया होगा, ठीक है, तो भैया उसमें जब पानी भर देते तो वो क्या हो जाता है? एक सेप ले लेता गोल जैसा। तो हमारा आंख को भी सेप देखे, फुला के गोल बना के जो रख रहा है, कौन रख रखा है? विट्रस ह्यूमर। कौन बना के रख रखा है? ठीक है, तो इट हेल्प्स इन कीपिंग द शेप ऑफ द आई बॉल। समझ में आ गया होगा तुम लोग को। और दूसरा क्या है? प्रोटेक्ट द रेटिना एंड इट्स नर्व एंडिंग। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो बस लोकेशन और फंक्शन, यही दो चीज तुमको ध्यान रखना था। हाउ डू वी सी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।